हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। तो दोस्तों, आपका फाइनली एंसल की प्रो रिटेटेड मार्क था वो सही कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो जो स्कोर कार्ड में जो मिस्टेक था, जो 100 में कन्वर्ट करने था तो वो 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको अब 26.25 नंबर नहीं 35 नंबर चाहिए 100 में। तो अब कमेंट करके बताएं कि आपके नंबर कितने कितने इंक्रीज हुए हैं या नॉर्मलाइजेशन में कितने इंक्रीज हुए हैं, अगर आपका 35 आ रहा है या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो देखिए, आप लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में था, पार्ट बी में जो प्रो रेटेड मार्क्स था, जो आपको 75 में ही कन्वर्ट करके उस टाइम दिया था, उसमें बहुत 75 में भी नहीं था, किसी में 75 था, किसी में बहुत मिस्टेक था, लेकिन उस सारे मिस्टेक को अब दूर कर दिया गया है। तो आप लोग अगर चेक नहीं किए हैं तो फिर से चेक कीजिए, आपका सही कर दिया गया है। तो अगर आपका क्या अभी कोई भी इंक्वायरी है या दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले जो लोग आए हुए हैं ऑनलाइन, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, कि सबसे ज़्यादा आप लोग इस पर कनेक्ट हो जाएं। और इस पर कनेक्ट होने के बाद आप लोग के कौन कौन से आपके नंबर बढ़े हैं, मतलब पार्ट ए या पार्ट बी में भी, पार्ट ए में तो कोई अभी चेंजिंग नहीं की गई है, लेकिन उसमें भी अगर आप लोग ऑब्जेक्शन किए थे तो उस पर भी अभी नहीं आ रही है। कुछ क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है, कुछ क्वेश्चन का अभी भी आंसर वही गलत दिखाया जा रहा है। आप लोग अभी ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन को आंसर गलत दिखाया जा रहा है। मुकेश कुमार, आपका 6851 ओबीसी पीसीएम, ओबीसी है, चांस है और हैंडीकैप है, इलाहाबाद से कोई चांस? हाँ सर, कंफर्म है आप हैंडीकैप है, कट ऑफ इतने नहीं जाएंगे, अब हो जाएगा आपका। उसका एक और मैसेज आया, मनीष एलपी मुंबई 41 60 46। सर हो सकता है चांस है कहीं 40 कट ऑफ कम रही तो 40% जितने पे रेलवे ने डिसाइड किया था उतने पे ले सकता है, लेकिन अभी कहना मुश्किल होगी क्योंकि देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी इस बार उलट फेर हुई है, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग पहले कमेंट करें जल्दी जल्दी और लाइव जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाएं। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आपका फाइनली जो प्रो रिलेटेड मार्क था उसको आपको चेंज कर दिया गया है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं आपका क्या नंबर इंक्रीज हुआ या नहीं, वो कमेंट करके मुझे बताएं। हाँ तो हेलो फ्रेंड, आपका जो प्रो रेटेड मार्क्स जो था 75 में, उसको अब चेंज कर दिया गया है, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। मुकेश कुमार, हैंडीकैप से हैं आप, आपका चांस अच्छा है, आप अगर एलपी के लिए हैं या टेक्नीशियन के लिए हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जरूर बन जाएगा, आपके नंबर अच्छे हैं। मुकेश कुमार, आप पीसीएम से हैं, कंफर्म रहिए, हो जाएगा, हैंडीकैप से हैं, हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके पूछिए कोई भी इंक्वायरी है तो आपको बता दूं कि आपका प्रो रेटेड मार्क्स था जो 100 में, रेलवे ने फिर 3 बजे के टाइम दिया था, उसको सुधार करके दे दिया गया है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सर पार्ट ए में 44, पार्ट बी ITI, सर चांस है राहुल सहनी, आपका चांस है, हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं।
मुकेश सर प्लीज़ एक बार, मुकेश आपका मैं बता दिया हूँ, आपके नंबर अच्छे हैं, आपके चांस है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आपका फाइनली स्कोर कार्ड में चेंजिंग सही कर दिया गया है, अगर आप लोग सही नहीं चेक किए हैं तो सही कर ले, मेरा भी बता दीजिए। विकास विकास आप अपना नंबर बताएं। हेलो सर, कमलेश सर पार्ट बी में 31, नहीं सर आपका 35 नंबर चाहिए, क्योंकि उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया गया, पहले 26.25 था लेकिन जब 100 में उसको कन्वर्ट किया गया तो आपको 35% चाहिए, मतलब कि 35 नंबर। पार्ट ए 60, पार्ट बी 45 एलपी, सर कंफर्म रही हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कनेक्ट लाइफ आए। आप लोग मेरे आरआरसी में सिकंदराबाद पार्ट ए में 55 और 55 अपार्टमेंट 30 टेक्नीशियन। सर हाँ विपिन आपका चांस है होने की। खान आईटीआई मुंबई टेक्नीशियन जनरल, इतना हो सकता है। पार्ट ए 51.4 इतने। सर पार्ट ए में पीसीएम, आप लोग अपना कैटेगरी भी साथ में लिखें, क्योंकि कैटेगरी से हम नहीं बता सकते हैं कि आप जनरल में हो के क्या में। सर पार्ट ए में 61 जनरल भुवनेश्वर सर हो जाएगा आपका एलपी के लिए। सर मेरा प्रो रिलेटेड मार्क चेंज हो गया पर नॉर्मलाइजेशन है, सर कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि नंबर नहीं इंक्रीज हुआ हो, तो आप लोग उसको आप अपने दूसरे फ्रेंड, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जल्दी शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने फ्रेंड से भी आप लोग मतलब पूछिए कि आपका कौन सा शिफ्ट में वो लोग थे, उनके नंबर इंक्रीज हुए हैं कि नहीं, कि आपके भी नहीं हुए हैं ये लोग। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, तब तो सभी कनेक्ट हो के आपको मिलेंगे। मुझे तो अभी तक नहीं मिले, आप कौन सा शिफ्ट में हो, क्या हो, इतने डिटेल्स में तो कैसे बता सकता हूँ। बालाजी 58 पार्ट बी भुवनेश्वर हो सकता है आपका। सर शुभम अजमेर एलपी, हाँ आपके नंबर 66 और 64। तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को अभी पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सर एलपी पीसीएम का की कट ऑफ, सर इलाहाबाद के पीसीएम की सर हाई रह सकती है, अभी कट ऑफ पे कोई बात नहीं करेंगे। आप लोग आपके नंबर इंक्रीज हुए हैं या नहीं, देखिए अभी कट ऑफ में कुछ भी बोल दूंगा उससे कोई नहीं है। आप लोग आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं अभी आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं मुझे, तब मैं एक कैलकुलेट करके बता पाऊंगा, नहीं तो अभी तो मैं कुछ भी बोल दूंगा उस वो सही नहीं होगा। तो आप लोग जितने अभी लाइव है पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आरएससी सर जनरल 61 बिटन जनरल भुवनेश्वर एलपी हो सकता है सर। तो आप लोग पहले तो जितने जितने कम से कम 500 प्लस लाइव आए चैनल पे। जम्बू आईटीआई की कट ऑफ, सर आईटीआई जम्बू देखिए कम रह सकती है, मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वही रहने की चांस है, इस पर अभी कोई डिसाइड कट ऑफ पे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके नंबर कितने कितने हैं यहाँ देख सकते हैं कि पार्ट बी के लिए के बहुत समस्या है। अभी 85-80% लड़के पार्ट बी में पास नहीं हो रहे हैं,
हो सकता है कि ये 35% है, इसको कम बेसी कम किया जा सकता है अगर उनके लड़के नहीं मिलेंगे। आप लोग जानते हैं कि सिर्फ पीसीएम वाले के अच्छे नंबर पार्ट बी में आ रहे हैं अभी भी, तो हो सकता है कि 35% है, आगे चल के इसको कम कर किया जा सकता है, तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग अभी निश्चिंत रहिए, अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तभी आप कन्फर्म मानिएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हमें तो लग रहा है इसको कम किया जा सकता है मेरे अनुसार, क्योंकि देखिए रेलवे को फाइनली उसको आईटीआई और डिप्लोमा वाले एलपी के लिए लड़के चाहिए, अगर वही नहीं मिलेंगे तो उसको 35% वो कम किया जा कर देगा, वो कन्फर्म है। तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आती है तो हम लोगों को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग पहले चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें सब्सक्राइब के साथ। तो चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, तो आपका हो सकता है नंबर चेंज किया जा सकता है। सर रांची 54 पार्ट बी इतना आईटीआई से सर हो सकता है आपका। मुजफ्फरपुर ओबीसी 70 पीसीएम कंफर्म है मैथ। तो आप लोग कम से कम अभी तो लाइव तो जल्दी आइए, चैनल को पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपको रेलवे को फाइनली आप लोग भी जानते हैं पीसीएम में सीट कम है, ज़्यादा आईटीआई डिप्लोमा में है, अगर वही लड़के नहीं मिलेंगे तो 35% को कम कर देगा कन्फर्म है। यहाँ से कोई अथी नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मुझे चांस लगता है कि 35% ही है, इसको कम कर देगा वो, इसीलिए कि उसको लड़के ही चाहिए। अब तुरंत तुरंत वैकेंसी आएगी नहीं, और रेलवे में अभी बहुत ज़्यादा आप लोग भी जानते हैं रिक्वायरमेंट, मतलब शॉर्ट लिस्टेड एम्प्लॉयड चल रही है, तो वो कन्फर्म है कि उसको कम कर देगा। सर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नो चेंज पार्ट इन पार्ट ए, क्या करें? सर हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपका शिफ्ट इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन में तीन कंडीशन बढ़ती है, एक सेम रहता है, एक कमता भी है नंबर और एक बढ़ता भी है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका सेम है, कम गया या बढ़ गया। लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि उसी शिफ्ट के लड़के सेम ट्रेड के, मतलब पार्ट ए में तो सभी के सेम थे, तो उसी शिफ्ट के लड़के और उसी दिन, मतलब के लड़के को नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, कि सिर्फ आपके ही नहीं बढ़े हैं, आप लोग ये कंफर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए अपने नंबर। हो सकता है कि आपका दोस्त ऐसा कोई मिल जाए जो आपको बताए कि हाँ मेरे नंबर नहीं बढ़े हैं या बढ़े हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, कि मुझे तो देखिए आप लोग के इंक्वायरी से मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले जल्दी जल्दी आप चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए मैं एक एक करके देखिए कम से कम मात्र 19 लाइफ है, आप लोग देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कम से कम 500 प्लस लाइफ तो पहुँचाइए तब मज़ा आएगा। आप लोग इतने अभी वीडियो पे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक ये सब पे, तो शेयर कर ले आप अपने अपने व्हाट्सएप ये सब पे शेयर कर दें, जिससे सबसे ज़्यादा लाइफ आ जाए। आप कमेंट, अगर आपके नंबर नहीं बढ़े हैं तो कमेंट में बताएं, हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड वहाँ पे आके आपको बताएं कि हाँ उसी शिफ्ट में मेरे नंबर बढ़े हैं, तो उससे कुछ किया जा सकता है। तब आप लोग रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मेल हो गया, ट्विटर अकाउंट हो गया, उस पर जाके अगर फ़ोन नंबर मिलता है तो उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं जाकर। आप लोग जितने भी न्यूज को बड़ा बनाइएगा तभी कुछ हो सकता है। देखिए भाई प्रो रेटेड मार्क्स में सुबह से न्यूज कितनी बहुत बड़ी समस्या, मतलब मुद्दा बन चुका था, तो अभी आते आते 3 बजे तक सही कर दिया गया है। वैसा ही अगर आपको लगता है कि पार्ट ए में भी गड़बड़ हुई है या नॉर्मलाइजेशन में, तो वो आप लोग के सहमति से ही होगी। आप लोग जितने ज़्यादा में मतलब इस न्यूज को आगे तक लेके जाइएगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो ग्रुप आप देख सकते हैं, ग्रुप डी देख सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा हुआ वैसे ही चला गया, हो सकता है इसमें भी वैसा ही चला जाए, कुछ ना हो।
तो आप लोग के ऊपर है, डिपेंड करता है। हम लोग तो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज को वायरल कीजिए। तो मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, साथ में आपको कुछ नॉलेज भी दे रहा हूँ कि जिससे आपको हेल्प मिले। तो आप लोग कमेंट कीजिए और सबसे बड़े पहले तो आप लोग लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आए, 500 प्लस। तब ये यहाँ से कुछ हो सकता है, नहीं तो ये ग्रुप डी के तरह ये भी ऐसा ही रिजल्ट चला जाएगा। जो नहीं पाने वाले लड़के हैं वो पा लेंगे और जिनके अच्छे नंबर हैं। आप लोग ये भी समस्या भी मुझे पास आ रही थी बहुत सारी इंक्वायरी कि जो लड़के मतलब ऑब्जेक्शन किए थे उनके क्वेश्चन पे अभी कोई इग्नोर भी नहीं किया गया, ना उसको करेक्शन किया गया, नहीं उनके नंबर इंक्रीज हुए हैं। किसी के इग्नोर क्वेश्चन हुए हैं, किसी के सेम टू सेम है, अभी भी क्वेश्चन गलत है, आंसर मतलब गलत है। तो उस पे भी अभी बहुत बड़ी मुद्दा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ में, दोनों में ही बात बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग जल्दी जल्दी पहले तो लाइव आए, बोथ बताओ दो। सर सर शंकर, आपका पीसीएम कोलकाता एनी चांस कंफर्म है? सर आपका 73 नंबर है, हो सकता है हो जाएगा सर, जनरल से भी 73 नंबर बहुत होती है। जान से जी पार्ट बी में बहुत लड़के नहीं पास हुए हैं, जो पास हुए हैं उनके चांस अच्छे हैं इस बार, अभी तक बता रहा हूँ। मैं तो ये भी बता रहा हूँ कि पार्ट में हो सकता है कि नंबर कम 35% से कम किया जा सकता है। सर नहीं हुआ उनके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुए, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से ईमेल पे ईमेल करें, ट्विटर अकाउंट पे कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग न्यूज को बहुत बड़ा बनाइए, तब ये कुछ हो सकता है इस मुद्दा पे। तो अगर जितने लाइव हैं तो उतने कमेंट पे कम से कम आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के तरफ से सब्सक्राइब अभी तक कितनी आई है, मात्र 3 सब्सक्राइब आई है। तो आप लोग बताएं, मात्र इतने 24 आ रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोग की तरफ से नहीं आ रहा है। सर पार्ट बी में 34 एनी चांस? नहीं सर 35 नंबर चाहिए, 34 पॉइंट पे नहीं होगा, पूरा 35%, क्योंकि 100 में कन्वर्ट कर दिया गया है गौरव। 35 नंबर, आकाश कुमार आपका 61 पार्ट ए एंड पार्ट बी चेन्नई। सर अपना कैटेगरी 61 है, हो जाएगा सर, जनरल से भी होंगे तब पर भी हो जाएगा। रांची बोर्ड ओबीसी पार्ट इतने इतना हो सकता है, हंस राज गौरव है चांस आपके सर, प्लीज क्वालिफाइन नंबर कम कर सकता है रेलवे? जरूर सर, अगर लड़के नहीं मिलेंगे तो उसको ज़रूर कम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पार्ट ए में देखिए पहले जो कैटेगरी थी उसके क्वालिफाइंग नंबर पे लिया गया था, और नॉर्मलाइजेशन में भी वहाँ इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन किसी के नंबर बहुत अच्छे इंक्रीज हो गए हैं पार्ट बी के, मैं बता रहा हूँ, पार्ट ए में तो हुए ही हैं और किसी के सेम टू सेम है, किसी के कम भी गए हैं। तो ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि रेलवे नॉर्मलाइजेशन करता कैसे है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, जो फार्मूला दिखाया जा रहा है सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जान जाइए, उस पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। अगर नॉर्मलाइजेशन होती तो मैंने खुद देखा हूँ, एक ही शिफ्ट के लड़के
सेम ट्रेड, किसी के नंबर कुछ बढ़ गए हैं, किसी के सेम रह गए हैं, किसी के कम भी गए हैं, ऐसे तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। सर आपका जो फाइनली 35 लाना है, इसमें रॉ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 35 नंबर लानी है। मुकुल, तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 20 आदमी हैं, 20 आदमी हैं अभी लाइव मात्र, तो कम से कम 20 तो सब्सक्राइब कर लें। और अपने फेसबुक या ग्रुप ग्रुप पे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को कनेक्ट कीजिए, तभी आप लोगों का जब न्यूज बड़ा बनेगा तभी कुछ हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं प्रो रिलेटेड मार्क का सुबह से न्यूज बहुत बहुत बड़ा बन चुका था, तो इसको आज ही चेंजिंग देखें कितना जल्दी चेंज कर दिया गया। तो ऐसे ही आप लोग न्यूज को बहुत बड़ा बनाइए, नहीं हो पाएगा तो क्वालिफाइंग मार्क डिक्रीज हो सकता है ना सर जी? ज़रूर होगा गौरव तिवारी, अगर 8 गुना नहीं मिलेगा तो देखिए, रेलवे को एलपी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं एक चीज़, रेलवे को एलपी में सिर्फ उनके एग्ज़ाम से मतलब नहीं रहता है, उनको सिर्फ साइको डिपेंड करता है। रेलवे में वो साइको को सिर्फ ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि साइको में कौन फेल किया या पास किया, तो हो सकता है यहाँ पर क्वालिफाइंग नंबर कम कर दिया जाएगा, क्योंकि एलपी में 8 गुना लड़के को, साइको में आप जान जा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ छांटे जाते हैं। आप लोग खुद सोचिए, किसी एग्ज़ाम में 5 गुना कोई, जैसे टेक्नीशियन हो, पीसीएम हो, 5 गुना 6 गुना लेके उस कर सकते हैं, लेकिन साइको में सिर्फ 8 गुना को लेते हैं, यहाँ से मात्र वो 1.5 को सिलेक्ट करते हैं मान के चलिए। तो समझ सकते हैं कि ये 2 लड़के मान के चलते हैं, 2 8 में से 6 को बाहर किया जाता है, 2 को लिया जाता है, तो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा साइको में फेल करते हैं। अगर उनको नहीं मिलेगा, अगर मान के चलिए 3 गुना या 5 गुना लड़के ही साइको में मिलेगा, तो उनको सीट के अनुसार नहीं मिलेगा, तो ये 35% है, नंबर कम ज़रूर किया जा सकता है। सर मैं नंबर देख रहा हूँ आपके लोग के कमेंट पे, तो आप लोग कमेंट करते जाए, पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बोलते बोलते इतना थक जाता हूं कि मैं कमेंट देख रहा हूं, लेकिन मैं देख ले, मैं ऊपर और नीचे करके आपको देख रहा हूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं कि मैं बहुत थका हूं कई वीडियो बनाते बनाते आज। तो आप लोग पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो अगर मैं डिसकनेक्ट करता हूं वीडियो, तो उसके कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि कौन सी इंक्वायरी है आपकी। पीसीएम 72 मुंबई सर, ज़रूर हो जाएगा आपका 72 नंबर।